तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे। आज फ्रेंड्स मैं जो आप सभी के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है बजाज का वॉल फैन, जिसका मॉडल नेम है न्यू स्पेक्ट्रम। वीडियो बनाने से पहले मैं आप सभी दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप मेरे चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, और उन सभी दोस्तों का भी धन्यवाद जो मेरे प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बजाज का न्यू स्पेक्ट्रम वॉल फैन है जो कि आता है दो कलर्स में, एक आता है ब्लू कलर और एक आता है ग्रे कलर। 2 ईयर्स होम सर्विस इसकी वारंटी होती है। RPM इसके होते हैं 2100। काफ़ी अच्छा फ़ैन है फ्रेंड्स ये। दो साइज़ में फ्रेंड्स ये आता है, एक आता है 300 mm, जो कि ये अभी मैं प्रेजेंट में आपको दिखा रहा हूँ सामने, ये 300 mm का वॉल फैन है, और एक आता है 400 mm का। तो अभी इसे हम अनबॉक्स करेंगे और दिखाएंगे चला करके भी, और ये लुक में अभी ये कैसा है। ये हमारे पास जो फ्रेंड्स फ़ैन है ये 300 mm का है और ये है ग्रे कलर का। तो हम इसे अभी अनबॉक्स करेंगे और दिखाएंगे कैसा है। तो अभी हम इसे अनबॉक्स करते हैं। फ़ैन को हमने फ्रेंड्स अनबॉक्स कर लिया है। इसमें इसका दोनों एक ब्लेड निकलेगा, दोनों ऊपर की जालियाँ निकलेंगी। ये यहाँ पर मोटर है और इसका वारंटी कार्ड है। वाइट ग्रे कलर में ये फ़ैन है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया 300 mm का वॉल फ़ैन है, तो इसका मेनली यूज़ वहाँ पे होता है जैसे कि आपके पास जगह अगर कम है वहाँ पर, तो ये छोटी जगहों के लिए फ़ैन बना हुआ है। जो रेगुलर फ़ैन होता है जो 400 mm का होता है, वो थोड़ा सा साइज़ में बिग होता है, तो छोटी जगह पर लगाने के लिए फ़ैन आता है। इसके अलावा एक वॉल फ़ैन आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। अभी जल्दी में मैंने उसका वीडियो अपलोड किया था, जिसका मॉडल नेम था बजाज इंस्टा ब्रिज। वो 230 mm का वो फ़ैन था, जो 230 mm का फ़ैन था, और ये 300 mm का फ़ैन है। ये उससे थोड़ा सा बड़ा है। प्राइस उसका करीब 1700-1600 रुपए के आसपास पे था। ये 2200-2300 रुपए का आपको मिलेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन। और इसमें बॉक्स के अंदर इसका ब्लेड मिलता है, दोनों जालियाँ मिलती हैं, और ये मोटर मिलता है। ये वॉल माउंट करने के लिए क्लिप निकलती है, और ये वारंटी कार्ड है इसका फ्रेंड्स। तो वारंटी कार्ड कभी भी, जैसे मैं हमेशा वीडियो में आपको बताता हूँ, वारंटी कार्ड कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का आप मिस ना करें। 2 ईयर्स होम सर्विस इसकी वारंटी है। फुल कॉपर मोटर है। पावर कॉर्ड की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए, तो पावर कॉर्ड जो है इसकी नियर अबाउट 1 मीटर की है। ये स्पीड और स्विंग को ऑपरेट करने के लिए ये डोरी दी गई हुई है। डोरी को हम जब आप खींचेंगे तो स्विंग को ऑन ऑफ या स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिप लगी हुई है इसको वॉल माउंट करने के लिए। तो अभी हो सकता है हम इसका वीडियो बनाएं, इसे वॉल माउंट करके भी दिखाएं आपको। अगर इसमें वीडियो में नहीं बना पाएँ तो अलग से वीडियो बना देंगे जब इसको वॉल में फिक्स करके दिखाएंगे। इस फ्रेंड को अभी हम फ्रेंड्स असेंबल कर देंगे, और बाद में अगर अभी इसी वीडियो में हो पाया तो मैं इसे वॉल में हैंग करके भी दिखा दूंगा, और नहीं तो असेंबल करके तो अभी आपको दिखा दूंगा मैं कि कैसा है ये। तो असेंबल करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसे इस नॉब को खोल लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे खोलेंगे, ये जाली इसमें फ़िक्स होगी। तो इस नॉब को फ्रेंड्स हम लोग ऐसे घुमाएँगे क्लॉक वाइज, ये नॉब निकाला जाएगी, उसके बाद में इस जाली को निकालेंगे, इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएँगे और ये निकल आएगा। अब यहाँ पे जाली फिक्स होगी। जाली को हम लोग इस तरह से लेंगे, ये जो पकड़ने वाला हिस्सा है बिल्कुल ऐसे इसको स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से, और ये यहाँ पे इसके कॉलम बने हुए हैं इसी जगह पे, ये बिल्कुल जाली ऐसे सीधे फिक्स हो जाएगी। गलत तरीके से नहीं फिक्स कर सकते हैं, यहीं पे इसका सिस्टम बना हुआ है, ये इस जगह पर ये नॉब्स बनी हुई हैं, इसी में ये फ़िक्स हो जाएगा। उसके बाद में ये जो है इसको टाइट कर दिया जाएगा, क्लॉक वाइज घुमा करके अच्छे से टाइट कर देना है। जाली हमने अच्छे से टाइट कर दी है। अब उसके बाद में इस ब्लेड को लगाएंगे। तो ब्लेड को लगाने का सिस्टम ये होता है, यहाँ पर ये एक पिन टाइप की बनी रहती है इसमें लगी हुई इस रॉड में, और यहाँ पर कट बना होता है, इस जगह पे ये कट बना होता है, तो पिन इसी कट में फंस जाती है। तो ब्लेड को हम लोग ऐसे ही डाल देंगे सीधे, और ब्लेड को ऐसे घुमा देंगे, जहाँ पर भी कट होगा वहाँ पर ये बैठ जाएगी खुद से ही। बस एक बार ब्लेड को थोड़ा सा ऐसे मूव कर देंगे हम लोग। तो उसके बाद में इसके ऊपर एक नॉब है, वो नॉब हम लोग लगा देंगे एंटी क्लॉकवाइज, घुमाएंगे इसको और नॉब हमारी लग जाएगी, और इसको भी अच्छे से हम टाइट कर देंगे।
नौ फ्रेंड्स हमने लगा दी है, अब ये पूरा टाइट हो गया है। अब इसके ऊपर हम लोग ऊपर वाली जाली जो है ये लगाएंगे। इस कवर जाली को लगाने के लिए हमें ये जो है यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को हमें स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा लूज़ करना होगा। तो फ़ैन पूरा असेंबल हो चुका है, इसकी जाली सब फिक्स हो चुकी है। फ़ैन को फ़िलहाल में मैंने इसे टेम्प्रेरली खड़ा कर दिया है इसे, और अब हम इसे ऑन करके दिखाएंगे फ्रेंड्स कि इसकी स्पीड कितनी है, क्योंकि मैंने बताया था कि 2100 RPM इसका है, तो स्पीड ठीक ठाक है। साइज़ भी इसका ठीक है, मीडियम साइज़ है, और स्विंग भी करके मैं दिखाऊंगा, ऑन करके इसे दिखाऊंगा। तो ये मैन्युअली भी यहाँ पर इसे मैं इसकी स्पीड को ऑन ऑफ़ कर सकता हूँ, और स्विंग करने के लिए मुझे ये डोरी को खींचना होगा। अगर मैं इसे स्विंग वाली इसको खींचूँगा तो ये स्विंग यहीं से ऑन और ऑफ़ हो जाएगा, और स्पीड भी यहाँ से कम ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी मैंने इसे ऑन किया है, ये ऑन हो गया है, और ये स्विंग ऑलरेडी ऑन है। स्विंग को फिलहाल मैंने बंद कर दिया है फ्रेंड्स। और ये चल रहा है फैन, अब 3 नंबर पे हो गया, अपनी फुल स्पीड पर हो गया, और ये फुल स्पीड अब हुई है, यहाँ पर 0 हो गया है, 1 नंबर स्पीड पर ये फ़ैन चल रहा है, और इसे हम स्विंग हमने ऑन कर दिया है, डोरी को खींच करके स्विंग होने लगा है। स्पीड हम इसकी और बढ़ाते हैं, स्पीड इसकी हमने 1 नंबर और बढ़ा दी है, 2 नंबर पर अभी ये चल रहा है, 2 नंबर पर भी काफ़ी अच्छी हवा आ रही है, 1 नंबर पर भी काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी, अभी मैंने 1 नंबर की स्पीड और बढ़ाई है, फुल स्पीड पर अभी ये फ़ैन चल रहा है और ये स्विंग भी हो रहा है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी हवा दे रहा है, काफ़ी अच्छी स्पीड भी है, लो साउंड है, इसकी में कोई नॉइस बहुत ज़्यादा नहीं है एयर थ्रो के हिसाब से, और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है, 2200 रुपये आपको ये मिल जाएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलेंगे नए वीडियो।